मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले से राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो चली है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कई बीजेपी नेताओं के नाम भी इसमें शामिल होने की आशंका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने राज्य की बीजेपी इकाई से इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। याद दिला दे, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया था कि जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू जिराती थे, तब हनी ट्रैप मामले की आरोपी श्वेता जैन महामंत्री थी। श्वेता जैन पत्नी विजय जैन क्या भारतीय युवा मोर्चा की महामंत्री रही कि नहीं रही? हाँ या ना? रही कि नहीं रही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? जी नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल सही है, रही। ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन था भारतीय युवा मोर्चे का? कौन था? जीतू जिराती था कि नहीं था? था कि नहीं था? महाराष्ट्र का भारतीय युवा मोर्चे का अध्यक्ष कौन था? निलंगेकर। पता लगाओ था कि नहीं था। आज फडणवीस जी की सरकार में वो मंत्री हैं कि नहीं है, पता लगाओ। श्वेता जैन का जब वीडियो वायरल एक ही हुआ तो महाराष्ट्र में वो किन के साथ रही, पता लगाओ। मेरे पास कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, मैं तो आपसे कह रहा हूं पता लगाओ। ये भी पता लगाओ कि आपके कलाकार जी सागर में विजय जैन की दुकान का उद्घाटन करने गए थे कि नहीं गए थे, पता लगाओ। एक जगह एमपी में इस मामले को लेकर राजनीति तेज है, तो वही इस कांड की छींटे अब छत्तीसगढ़ तक जा पहुंची हैं। सूत्रों के मुताबिक हनी ट्रैप गैंग के निशाने पर छत्तीसगढ़ के दो आईएएस अफसर और एक पूर्व मंत्री भी थे। ऐसे में एमपी पुलिस अब छत्तीसगढ़ का भी रुख कर सकती है। मतलब साफ है, इस रैकेट का दायरा अब एमपी की सीमाओं तक सीमित नहीं है और इसमें और भी कई बड़े नेता और अफसर के नाम सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।